applause, everyone. Now, please, Shanti, come here. Jesus, cue that. What is the USP of this movie? USP is a comedy film which has a very good message in it. Youth ke liye ek bahut acha message hai is film mein. Puri youthful comedy hai ye. And USP iska yahi hai ki hum ek to apni koshish ye kar rahe hain ki zyada se zyada newcomers ko iske andar introduce kare. Aur Ejaz saab jo hain aaj mashallah kafi inka charcha bhi hai aur kafi aur mere acche dost bhi hain ye. Hai na? ये इस फिल्म में हैं और हमारी शांति डायनामाइट जो हैं जो लंदन से हैं उसको इस फिल्म में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इनके साथ हम आगे भी दो फिल्में और करने वाले हैं। सो शांति, व्हाट वाज अबाउट द मूवी अबाउट द स्क्रिप्ट व्हेन इट जस्ट केम टू फर्स्ट टाइम टू यू, व्हाट वाज द थिंग व्हिच मेड यू जस्ट से यस फॉर द प्रोजेक्ट? वंस आई न्यू माय कैरेक्टर फॉर द फिल्म, आई थॉट अबाउट इट एंड आई थॉट दैट आई एम वेरी सिमिलर टू द कैरेक्टर Zoya that I'm playing in the film, so I had no reason to say no. Shanti, after just coming to the Bollywood, just even before just making, you just decided to just make the entry into the Bollywood. You just became the controversy. You had a controversy with the Sunny Leone. So what you have to just say about that controversy? Right now, I'm very focused on my own career, and I'm not looking at what other people are doing. So that's what I'm focused on. I'm focused on what we're here today for, which is the film I Love Dubai. Ejaz bhai, kuch aap kehna chahenge, your association with the movie, with the project? Tum ek sawal bol ke teen sawal kar rahe ho yaar, dusron ko to karne do. Koi hai kya akela hi hai ye? Pooch kya pooch raha hai? आप जैसे कि यू नो सबको जानते हैं आपके बारे में, यू आर द नंबर वन, एक नंबर ही आप हमेशा अपना हर तरीके से अपने आप को एक नंबर ही रखते हैं आप, तो किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ लाइक क्या एसोसिएशन आपका मूवी में? देखिए क्या होता है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा. ऐसा ही मेरा बहुत एक ऐसा वक्त था जब घर पे बैठा था, काम नहीं कुछ नहीं, मैं कोई भी काम तो करता नहीं था, नहीं तो मैं भी कोई डेली सोप सीरियल पकड़ के ये करके, करना बुरी बात नहीं है बट आई लाइक टू डू, मुझे फिल्में करनी थी और एक ऐसा शौक़ था फिल्में ही करूँगा. तो लकीर का फ़कीर के बाद कोई फिल्म नहीं कुछ नहीं. एक दिन रात को 1 बजे मुझे फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं घर पर बैठा हूँ, काम काज कुछ है नहीं. बोले अभी महेश भट्ट साहब के ऑफिस आ जाओ. मैंने बोला ठीक है इकराम भाई, और मैं पहुंचा. पहुंचने के बाद इकराम भाई ने मुझे बोला कि तुम एक कैरेक्टर कर रहे हो एसीपी रणविजय सिंह, और मुझे तुम पे बहुत उम्मीद है, और ये फिल्म शायद मेरी लाइफ की लिखी हुई बेस्ट फिल्म है ऐसा मुझे लगता है, और ये फिल्म को एक अंजाम देना है. और उसमें उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, वो रोल दिलाया, हमारी दोस्ती ऐसी हो गई कि अब मैं इकराम भाई से स्क्रिप्ट ही नहीं पूछता हूँ. तो मैं यहाँ पर हूँ मेरे भाई के साथ हमेशा, ऑलवेज. ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, एवरीबडी नो. एंड शांति डायनामाइट, मतलब आप समझ रहे हो नाम में इनके तो बॉम्ब है, तो ये भी है. एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म, आई एम जस्ट डूइंग माय पार्ट विच इज़ छोटा जुगनू, जो बहुत ही शातिर किस्म का डॉन है, और बहुत खुश हूँ मैं ये रोल करके. इजाज भाई, ये म्यूज़िक के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? कुछ आइटम नंबर रखा है या म्यूज़िक इनका है? सर हमारे पास आइटम नंबर नहीं है, एक आइटम है और एक नंबर है, तो ये दोनों साथ में ही है, टेंशन ही नहीं है. म्यूजिक कौन है आपके कंपोजर? म्यूजिक तो इकराम भाई की अपनी चॉइस है, अभी म्यूजिक पे इकराम भाई खुद बैठेंगे. थैंक यू पाजी. और क्या इकराम भाई से मेरा सवाल है, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. जी जी जाकिर साहब. इकराम भाई, नए को लेकर फिल्म बनाना आसान है लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है जी. तो मार्केट के आप चाहते थे
मार्केट के आर्टिस्ट लेकर फिल्म बना सकते थे जी, लेकिन आपने रिस्क लिया नए को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं जी। ये बात सच है कि नए लोगों को लेकर फिल्म बनाना भी मुश्किल है और उसको रिलीज़ करना भी मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर जो नई लोगों के साथ में रिलीज़ हो रही हैं, अप्रिशिएट की जा रही हैं और पसंद की जा रही हैं। बड़े लोगों के साथ फिल्म करूंगा तो लोग बोलेंगे बड़े लोगों की वजह से चल गई, न्यू कमर के साथ करूंगा तो लोग बोलेंगे इकराम अख्तर ने ऐसी फिल्म बनाई है जो चल गई है ना जी। थैंक यू। संजय भाई आप बताएंगे आप दोनों का मिलन कैसा हुआ, इकराम भाई का आपका, और कैसे आपने ये पिक्चर का प्लानिंग किया? ऑल ऑफ सडन मैं दिल्ली से आया था इकराम भाई के पास, तो इन्होंने बताया ये मूवी कर रहे हैं आई लव दुबई, तो इनका टाइटल और स्टोरी सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस फिल्म में मैं भी एक अपना एक पार्ट अदा करना चाहता था। शांति यह आपको हिंदी कितनी आती है? थोड़ा थोड़ा अफसोस इस बात का नहीं मुझे, सॉरी कितने मुझे तुमसे प्यार नहीं करता है, अफसोस इस बात का है, सांस टूटने से पहले दिल टूट गया। क्या बात है, सांस टूटने से पहले दिल टूट गया, देखिए क्या बात है। पूछिए कहाँ है भाई जी। शांति ही क्यों हीरोइन के लिए? देखिए क्या है कि जब एज अ राइटर मैं एक पिक्चर लिखता हूँ तो उसके अंदर एक दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी इमेज आपकी नज़र के सामने आ जाती है ना। तो जब ये आके मुझसे मिली लंदन से है ना, और आप लोग सब जानते ही होंगे कि सनी लियोन और इनको जो है हर जगह कंपेयर किया जाता है, पूरी मीडिया भी कवर करती है और हर जगह आप जहाँ भी वेब पे देखेंगे तो इनको उस लेवल पे कंपेयर किया जाता है। तो मुझे लगा मैं सनी लियोन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको लेने के बजाय एक ऐसी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की स्टार को लेता हूँ जिसको अभी कोई नहीं जानता है, यहाँ पर लोग जानते हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं जानते हैं जिस लेवल पर सनी लियोन को आज जाना जा रहा है ना। तो मेरे लिए भी एक ये अच्छा होगा कि एक लॉन्चिंग हो जाएगी है ना, और कल को अगर कोई भी पूछेगा कि भाई ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत मेरे से ही होगी। इकराम भाई लोकेशंस आप इंडिया में रखेंगे या बाहर भी कुछ? सर पिक्चर का नाम है आई लव दुबई। अच्छी बात, सो इट विल बी शॉट इन दुबई ओनली। ओके सर। जी सर, शांति जी की हिंदी तो सबने सुन ली जी, एजाज भाई की जो इमेज है जी एंग्री यंग मैन की है जी, तो कैसे कॉमेडी करवाएंगे आप इन सबसे? किन से? सर अच्छा एक्टर कुछ भी करता है, जो अच्छा एक्टर होता है ना। इनका जवाब, ए मेरे भाई बिग बॉस नहीं देखा? लोग खाली मेरे को देख के ही हंसते हैं बेटा, सिर्फ देखते हैं ना तो हंसते हैं, देखते ही हंसते हैं, कॉमेडी तो करता ही नहीं, खाली फ्रेम में आते ही मेरे को देखा तो हंसने लगते लोग, तो कॉमेडी तो क्या करूंगा मेरे भाई। बिग बॉस देख, टाइम थोड़ा स्पेंड कर यार भाई, कुछ देख एपिसोड एपिसोड, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा सर हल्का हो जाएगा भाई। Are we done with questions? Yeah, no more questions, everyone? Okay, now it's the time for us to unveil the first look of the movie.